हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक जैन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करंटनॉमिक्स। तो आप सब लोगों का स्वागत है लर्निंग थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ में। इसका पार्ट वन हम कल रिलीज़ कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सब लोग ज़रूर देखिए। सारा का सारा कवरेज आपको मिलेगा PIB, PRS, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर, सब ऑथेंटिक सोर्सेज से सारा डेटा कलेक्ट किया गया है। आज हम पार्ट टू लेकर आप सब लोगों के सामने आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम पार्ट टू। ठीक है, तो देखो पार्ट टू के अंदर हमने क्वेश्चन जो इंक्लूड किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हुनर हाट। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, किसके संदर्भ में? हुनर हाट के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, हुनर हाट टू रीस्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2020 विद द थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, विद द थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तीसरा लिखा हुआ है, दीज हार्ट एम टू प्रोवाइड मार्केट एक्सपोजर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडिशनल क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने करेक्ट है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्या बोला, सितंबर 2020 में वापस से स्टार्ट होगा, विषय वस्तु क्या होगी, लोकल टू ग्लोबल, सेकंड मानव संसाधन मंत्रालय, और थर्ड ये किसको एक्सपोज करेगा, आपको जो भी आपके घरेलू आपके क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिशंस हैं, चाहे वो शिल्पकार हुए, चाहे आपके अलग अलग टाइप के वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उनको मार्केट एक्सपोजर देगा और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ ये दिलाएगा। ठीक है, तो एक बार आप देखो, दिस इज़ हुनर हाट। आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्राफ्ट का, क्यूजीन, कल्चर, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जो 5 महीने से बंद था COVID-19 की वजह से, अब इसको वापस से रिन्यू किया जाएगा 5 महीने बाद। ठीक है, कब होगा रिन्यू, सितंबर 2020 में 5 महीने बाद वापस इसको स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ध्यान रखना अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो भी आपके आर्टिशंस होते हैं, जो भी आपके क्राफ्ट्समैन होते हैं, चाहे शिल्पकार हुए, चाहे आपके कलाकार हुए, उन सब के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका एग्जीबिशन या उसकी प्रदर्शनी ये आयोजित करता है, ताकि उनके प्रोडक्ट आपके इंटरनेशनल मार्केट्स तक इजीली पहुंच पाए। इसीलिए इसकी थीम रखी गई है कि लोकल टू ग्लोबल, जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ तक ले जाना है, वैश्विक स्तर तक या ग्लोबल लेवल तक हमें इसको पहुँचाना है। तो 1 और 3 ऑप्शन इज़ डी, सबको क्लियर है। सेकेंड, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है आपका, आपने देखा होगा अभी न्यूज़ के अंदर, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, तो ये क्वेश्चन उस पर है, क्वेश्चन पढ़िए, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट इंडो चाइना बॉर्डर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सिनो इंडियन बॉर्डर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। इस बॉर्डर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आपका पश्चिमी हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा और आपका पूर्वी वाला हिस्सा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है, 3 इंडियन स्टेट्स, हिमाचल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शेयर ए बॉर्डर विद चाइना। ठीक है, शेयर ए बॉर्डर विद चाइना, पहले इसको क्या बोला जाता था, आपका पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर नाम दिया जाता था। थर्ड लिखा है, गलवान वैली वो जो थिएटर ऑफ वॉर इन 1962 इंडिया चाइना वॉर, जो 1962 में इंडिया चाइना वॉर था उसमें जो गलवान वैली थी ये प्रमुख केंद्र वहाँ पर रहा था। फोर्थ बोला गया है, इंडिया रिजेक्ट्स US मीडिएशन इन लद्दाख स्टैंड ऑफ, रिएट्रिएट्स चाइना इश्यूज़ बायलेटरल। भारत ने जो लद्दाख, जो भारत ने लद्दाख में चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था उसमें US को मध्यस्थता करने से मना कर दिया है और डायरेक्टली बोला है कि ये हमारा क्या है, द्विपक्षीय मामला है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप देखोगे हमारी जो इंडिया और चाइना बॉर्डर है उसको 3 हिस्सों में हमने बांटा है। दिस इज़ अवर वेस्टर्न पार्ट, जो रेड कलर में आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा आपको येलोइश कलर में जो दिखेगा ये आपका मिडिल सेक्टर है, एंड देन आपको जो ब्लू कलर में दिखाई देगा दिस इज़ आपका ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, और ये वाला पार्ट है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको LAC के नाम से जाना जाता है। जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है, सबसे डिस्प्यूटेड रीजन, मोस्ट डिस्प्यूटेड
रीजन माना जाता है। आप देखोगे गलवान वैली भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जो आपका पश्चिमी हिस्सा है। अक्साई चीन वाला पार्ट आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, यहीं पर आपको गलवान वैली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सबसे डिस्प्यूटेड पार्ट माना जाता है इंडिया चाइना के बॉर्डर रिलेशंस के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बॉर्डर भी कौन सी है आपकी, वेस्टर्न वाली ही सबसे बड़ी बॉर्डर है। तो ध्यान रखना अक्साई चीन वाला हिस्सा 1962 के वॉर के अंदर बेसिकली चाइना ने भारत से हासिल कर लिया था। उसके अलावा आप देखोगे सियाचिन ग्लेशियर अभी भारत के अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। तो दिस इज़ अवर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अभी कहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, गलवान वैली, जहाँ पर चाइना ने अपना एग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, मिलिट्री का मूवमेंट हुआ, चाहे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटीज़ हुई, ये गलवान वैली में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा इस पार्ट के अंदर, यहाँ पर एक पास है जिसका नाम है नाकुला पास, नाथुला नहीं, नाकुला। ये कहाँ पर है आपका, सिक्किम के अंदर है। बेसिकली ये किसका मार्ग मान सकते हो आप लोग, जो आपका नाकुला ये वाला है, ये काफ़ी स्ट्रेटजिक रीजन भी है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के रीजन से भी। तो बेसिकली अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है आपका नाकुला पास पर और आपका गलवान वैली पर, यहीं पर एक झील भी है इसी रीजन में जिसका नाम है पेंगोंग सो, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज़ द लेक, पेंगोंग सो लेक, यहाँ पर भी डिस्प्यूट है। तो पेंगोंग सो लेक एंड गलवान वैली, दिस इज़ ऑल अबाउट द वेस्टर्न सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी हिस्सा। जबकि पूर्वी हिस्से में मैंने आपको कहाँ बताया, ये आपका जो पार्ट है दिस इज़ अवर जो नाकुला पास है, वहाँ पर भी डिस्प्यूट है। जो आपका मिडिल वाला पार्ट है ये क्या माना जाता है, पीसफुल रीजन माना जाता है, लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया माना जाता है, जहाँ पर ज़्यादा डिस्प्यूट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें अब आप देख सकते हो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, तीन सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया है। सेकंड को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर तीन नहीं, तीन की जगह चार आएगा, यहाँ पर मैंने उत्तराखंड को हटा दिया। तो ध्यान रखना हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ये चार राज्य हैं जो किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं आपके, चाइना के साथ, प्लस एक यूनियन टेरेटरी जिसका नाम है लद्दाख। पहले क्या था, ये एक जम्मू एंड कश्मीर नाम से जाना जाता था, तो हम क्या बोल देते थे, पाँच राज्य बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, चार राज्य और एक यूनियन टेरेटरी। आप यहाँ से मैप देख सकते हैं एक बार, दिस इज़ द रीजन ऑफ, जो आपका रीजन है ये लद्दाख वाला पार्ट। तो आप देखो ये सारा का सारा जो बॉर्डर एरिया आएगा लद्दाख वाले पार्ट में ही आएगा चाइना का, इसके साथ नहीं आएगा जे एंड के यूनियन टेरिटरी के साथ। तो अब आप क्या बोलोगे, आपके चार तो राज्य, ठीक है, कौन कौन से राज्य आपके, ऊपर से आप देखो आपका जो आ जाएगा हिमाचल वाला, उत्तराखंड वाला, सिक्किम वाला और अरुणाचल वाला, चार राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी, कौन सा वाला पार्ट आपका, लद्दाख वाला पार्ट जो मैंने अभी आपको मैप के अंदर यहाँ पर दिखाया। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गलवान वैली वाला जो रीजन है वो अक्साई चीन के पास वाला रीजन है, जो कि मेन सेंटर रहा था 1962 वॉर का, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया ने मना कर दिया है कि दिस इज़ अवर इंटरनल मैटर, दिस इज़ अवर बायलेटरल मैटर, हम किसी तीसरी पार्टी का यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं चाहते। साथ में चाइना ने भी क्लियरली मना कर दिया है यूएस से यहाँ पर इंटरफेरेंस करने के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 1, 3, 4, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है, ये भी आपका बॉर्डर डिस्प्यूट से है, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडो नेपाल बॉर्डर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, पढ़ेंगे आप इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द नेपाल गवर्नमेंट इश्यूड अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री शोइंग कालापानी, लिपुलेक एंड लिम्पी धुरिया विद इन इट्स बॉर्डर्स। अभी आप देखोगे जो आपके नेपाल ने नया मैप रिलीज़ किया है, उसमें तीन इंपॉर्टेंट रीजन है, कालापानी, लिपुलेक और लिम्पा धुरिया, जिसको किसके अंदर बताया है, नेपाल का पार्ट बताया है, जबकि ये किसके अंदर आते हैं अभी, अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया। सेकेंड बेसिकली आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, द ट्रीटी ऑफ सुगाली साइंड बाय द किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया, इसके बाद आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1816 लोकेटेड द गंडक रिवर इज नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। जो सगोली की संधि साइन हुई थी जो नेपाल के मध्य और आपकी ब्रिटिश इंडिया के मध्य 1816 में, जिसमें उन्होंने माना था गंडक रिवर को नेपाल की पश्चिमी बाउंड्री, नेपाल और भारत के मध्य की बाउंड्री। तो आप देखोगे नेपाल में, आप देखोगे जो हमारी गंडक रिवर है, हमारी आप देखोगे काली रिवर है, ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो सेकंड स्टेटमेंट आपने देखा, थर्ड आप देखोगे इंडिया हैज़ बीन इनोग्रेटेड द न्यू लिंक रोड फॉर इंडिया टू चाइना टू शॉर्टन द ट्रेवल टाइम फॉर पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर, बट नेपाल हैज़ क्लेम्ड दैट लिंक रोड कनेक्टिंग टू लिपुलेक पासेस थ्रू नेपाली टेरिटरी। नेपाल ने क्या बोला है कि जो रोड है जो आपका लिपुलेक से पास होता है वो नेपाली टेरिटरी के थ्रू पास होता है, बेसिकली ये रास्ता है जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसका मैप देखिए यहाँ पर, फिर आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दिस इज़ द टेरिटरी ऑफ कालापानी, ठीक है, यहाँ पर आपको जो रिवर देखने को मिलेगी वो कौन सी है, रिवर काली, ध्यान रखना कौन सी रिवर है यहाँ पर, रिवर काली, ठीक है, जो
यहाँ से निकलती है और बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप यहाँ पर अगर देखोगे, दिस इज़ आवर आपकी रिवर काली, ठीक है, दिस इज़ अवर रिवर गंडक, ठीक है। ये दोनों रिवर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगे। गंडक रिवर वाले रीजन को यहाँ पर बोलते हैं सुस्ता रीजन, ठीक है, सुस्ता रीजन है जहाँ पर बेसिकली भारत और नेपाल के मध्य बॉर्डर डिस्प्यूट मिलेगा। काली रिवर जो मैंने आपको बताया, काला पानी वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पर भी आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप आंसर इसका करोगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी नेपाल ने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पा दरिया को अपने पॉलिटिकल मैप के अंदर दिखाया है। दूसरा गलत है, दूसरा इसलिए गलत है, यहाँ पर गंडक रिवर की जगह क्या आएगा, काली रिवर। देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। ट्रीटी ऑफ सगोली जो हुई थी उसमें बेसिकली काली रिवर को, बेसिकली जो नेपाल की और भारत के मध्य जो बाउंड्री थी वो माना गया था, क्योंकि यही रीजन है जो आपका कहाँ से निकलता है, आपका जो काला पानी वाला पार्ट है। तो गंडक की जगह यहाँ पर आएगा काली रिवर, ठीक है। गंडक वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, सुस्ता रिवर, जो भी क्या बनाता है भारत और नेपाल के मध्य की बाउंड्री। तीसरा भी बिल्कुल सही है कि बेसिकली यहाँ से नेपाल बार बार क्लेम करता है कि लिपू लेक जो वाला पार्ट है, जो किसका पार्ट है, नेपाली टेरिटरीज का पार्ट है। तो 1 and 3 इज करेक्ट, आंसर इज ए। आंसर क्या होगा इसका, ए, 1 and 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है आपको। सिंपल पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन अबाउट लू। आपने नाम सुना होगा, गर्मियों में काफ़ी धूल भरी या काफ़ी तेज़ धूल भरी आंधियाँ चलती है, जिनको आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इसको लू बोला जाता है। तो आपको बताना है लू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लू इज ए स्ट्रॉन्ग डस्टी, डस्टी मतलब जो काफ़ी तेज़ धूल लेकर आती है, स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी तेज़ धूल भरी आंधियाँ, गस्टी hot and dry summer wind from the west, कहाँ से, from the west, which blows over the western Indo-Gangetic plain, जो आपका Indo-Gangetic plain, जो गंगा का मैदान का पश्चिमी वाला हिस्सा है, of North India and Pakistan. It is especially strong in the month of May and June. ये सबसे ज़्यादा strong कब होती है, मई और जून के महीनों में। दूसरा statement आप पढ़ो, in northern India, dusty, hot and dry local wind running in the northeast and southwest direction in summer are called loo. ठीक है, दिस टाइप ऑफ विंड ब्लोज इन मई एंड जून। दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है, डायरेक्शंस का विशेष ध्यान रखना है तभी आप लोग आंसर कर पाओगे। थर्ड आप देखोगे, इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया द डस्टी एंड हॉट ड्राई लोकल विंड्स रनिंग ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इन समर आर कोल्ड लू, एंड ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा चीज़ है, जो डायरेक्शन समझ पाएगा वो इजीली आंसर कर देगा। लैंग्वेज सब में वही है कि गर्मियों में चलने वाली काफ़ी तेज़ धूल भरी आंधियाँ, जो बेसिकली कहाँ पर मिलेगी आपको, उत्तरी भारत में, स्पेशली आपका जो पश्चिमी वाला पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बट आपको बताना है डायरेक्शन क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। देखो लू क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हॉट एंड ड्राई समर विंड है, फ्रॉम द वेस्ट, डायरेक्शन कहाँ से, फ्रॉम द वेस्ट, विच ब्लोज ओवर द वेस्टर्न इंडो गंगेटिक प्लान, कहाँ पर, जो आपका गंगा का मैदान है उसके पश्चिमी वाले पार्ट की तरफ, नॉर्थ इंडिया में और आपके पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। मई और जून के महीने में मिलती है। टेम्परेचर आप देखोगे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर। साथ में आप देखोगे ह्यूमिडिटी बिल्कुल न के बराबर होती है, प्योरली ड्राई विंड आपको देखने को मिलेगी, हाई टेम्परेचर होता है और काफ़ी ज़्यादा इसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो उसकी डायरेक्शन आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या बोला गया, रनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपका कौन सा हो गया, अगर आपका ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब क्या ये डायरेक्शन है क्या इसकी, नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या बोला, इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया द डस्टी एंड, कहाँ से बोला, ईस्ट टू वेस्ट, किधर से फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, क्या इधर से इधर फ्लो करती है क्या, नहीं, तो बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट वाली डायरेक्शन के अंदर ये आपको फ्लो करती हुई मिलेगी। आई थिंक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका शेड्यूल ट्राइब एक्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 करंटली अभी न्यूज़ में रहा है, ये किससे रिलेटेड था, क्यों न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट वन है आप लोगों के सामने, मध्य प्रदेश के गवर्नर, एमपी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज़ मॉडिफाइड द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। जो आपके मध्य प्रदेश के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, उन्होंने इस एक्ट के अंदर क्या
क्या किया है, संशोधन किया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गवर्नर ने इस अधिनियम का जो सेक्शन 5 है उसको मॉडिफाइड किया है, जो कहाँ पर लगता है आपका, शेड्यूल एरियाज पर लगता है, एमपी के, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम बाय द शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि गवर्नर को पावर किसके माध्यम से मिली है, आपका शेड्यूल 5 जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 5वीं अनुसूची के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं, ठीक है, या 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है किसके थ्रू ये किया गया है, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो। सबसे पहले इस एक्ट के बारे में आप देखोगे, ये एक्ट किनको सुरक्षा प्रदान करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था 2006 में, स्पेशली किनके फॉरेस्ट राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए, जो भी आप देखोगे, जो भी आपके जो वनों से संबंधित उत्पाद होते हैं, जिनके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, जो भी आपकी ट्राइब्स होती है, जनजातियां होती है, जो वनों के उत्पाद, चाहे आपकी बांस की लकड़ियां हो, इमारती लकड़ी हो, छोटे छोटे उत्पाद हो, जैसे गोंद हो गया, तेंदू के पत्ते हो गए, जिनके माध्यम से अपना वो जीवन यापन करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप देखोगे द एक्ट रिकग्नाइजेज दियर राइट टू होमस्टीड कल्टिवेबल ग्रेजिंग लैंड टू नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यहाँ पर बेसिकली उस लैंड पर राइट्स दिए जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे माइनर प्रोडक्ट्स इनको मिलते हैं, जिनके माध्यम से अपनी ये जीवन यापन करते हैं। साथ में आप देखोगे द एक्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो कि वनों में भ्रमण करने वाली जनजातियाँ होती है, ठीक है, उनके राइट्स को ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को भी ये बढ़ावा देता है। ये आपका अधिनियम था, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसके बारे में क्या क्या सत्य है। तो पहली चीज़ तो आप देखोगे कि जो आपके एमपी के गवर्नर है, ठीक है, ये एमपी में नहीं किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एमपी के अंदर नहीं किया गया, कहाँ पर किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के गवर्नर है। अभी आपने देखा भी होगा, रिसेंटली न्यूज़ में रहे थे भगत सिंह कोश्यारी, जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रही थी। तो ये एमपी के अंदर नहीं हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ। अगर आप एमपी को हटा के महाराष्ट्र कर दोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा कि उस एक्ट में वहाँ पर संशोधन किया गया है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे, गवर्नर ने जो मॉडिफाइड यहाँ पर किया है वो बेसिकली सेक्शन 5 नहीं है, सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत होंगे, तो आपको ध्यान रखना है, घर जाकर पढ़ना है, जितनी भी आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप देखोगे कौन से अधिकार, वनों वाले अधिकार, जैसे वनों से निर्मित जो उत्पाद हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP के नाम से जाना जाता है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे गोंद हुआ, बांस हुआ, तेंदुपत्ता हुआ, जिसके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये अधिनियम है, ठीक है। तो इसको आप एक बार और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। अभी आप देखोगे COVID-19 के टाइम पर इसको इन्वोक किया गया। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो आपकी आवश्यक जो सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज मतलब आवश्यक सेवाओं का रखरखाव से संबंधित जो ये अधिनियम है, इसके बारे में बात की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ इन्वोक्ड द एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये यहाँ पर क्या किया है, अप्लाई किया है। अंडर ESMA, employees in a long list of essential services like post and telegraph, railway, airport and port operations are prohibited from going on strike. जब ये एक्ट किसी स्टेट के अंदर लागू कर दिया जाता है तो वहाँ की जो आवश्यक सेवाएं होती है उनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो हड़ताल पर नहीं जा सकते। अगर वो हड़ताल पर जाते हैं तो उन पर कानूनी सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सेवाएं कौन कौन सी, जैसे कि आपकी डाक सेवाएं होगी, टेलीग्राफ होगी, रेलवे होगी, एयरपोर्ट होगी, ठीक है, ये कब लागू किया जाता है, इमरजेंसी के टाइम पर ये लागू किया जाता है। जैसे अभी आप देखोगे COVID-19 की वजह से आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। थर्ड आप देखोगे द एक्ट मैंडेट्स इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज़। इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है, कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 ईयर और 2,000 रुपीज़, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। इससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि आपको पता लग पाए कि ये एक्ट होता क्या है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं किया है, किसने किया है, यूपी गवर्नमेंट ने किया है। यूपी गवर्नमेंट हैज़ इन्वोक्ड द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसने क्या किया है, सारी की सारी जो हड़तालें हैं उनको बैन कर दिया है। बैनिंग स्ट्राइक्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड कॉरपोरेशंस अंडर इट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स।
इस एक्ट के तहत अगले 6 महीने तक यूपी में कोई भी कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट के अंडर है या डिपार्टमेंट है वो हड़ताल पर नहीं जा पाएगा। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर बेसिकली पुलिस को राइट है, बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकती है अगर आप इस एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हैं। साथ में आप देखोगे इसके अंदर लंबी लिस्ट दी हुई है एसेंशियल सेवाओं की जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, सारी की सारी टेलीग्राफ, रेलवे, एयरपोर्ट। और ध्यान रखना इसमें सजा का प्रावधान कितना है, 1 साल का सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है, विच में एक्सटेंड 1 ईयर और फाइन भी है यहाँ पर 1000 रुपीज़। ध्यान रखना दोनों 1-1 है, 1 ईयर तक की सजा का प्रावधान और बेसिकली फाइन कितना 1000 रुपीज़ का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है, ठीक है। दोनों भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, सिंगल भी एप्लीकेबल हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना इस एक्ट के लागू करने के बाद ये सब लोग यहाँ पर जो भी आवश्यक सेवाएँ हैं उन पर से जो एम्प्लॉई है वो हड़ताल पर नहीं जा सकते, अगर जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दिल्ली ने नहीं किया है, किसने किया है, यूपी गवर्नमेंट ने किया है। सेकंड बिल्कुल सही है, थर्ड गलत है। थर्ड क्यों गलत है, यहाँ पर थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि 2 की जगह क्या आएगा आपका, यहाँ पर 1 आएगा। 2 की जगह क्या आएगा आपका, 1 आएगा। दोनों 2 की जगह आपका 1 आएगा तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ओनली 2। कौन सा करेक्ट है, ओनली 2। सबको क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई भी सर्विस जो आपकी कनेक्टेड हो, चाहे प्रोडक्शन हो, जनरेशन हो, स्टोरेज हो, तो सिंपल सी चीज़ है, वो सारी की सारी आवश्यक सेवाएं जो आपके डेली टू डेली यूज़ में ज़रूरी होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका टेलीग्राफ हो गया, पोस्ट हो गया, ये सब आवश्यक सेवाएँ हैं जो हमें डेली यूज़ के लिए ज़रूरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से न्यूज़ में रहा है। PIL का नाम सबने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको जनहित याचिका। द फॉलो स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PIL या जनहित याचिका। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द सेंटर एंड द स्टेट्स टू इमीडिएटली प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट कॉमा फूड एंड शेल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स। आपने देखा होगा सभी माइग्रेंट वर्कर्स अभी कहाँ पर लौट रहे हैं, घरों को लौट रहे हैं, जितने भी आपके प्रवासी श्रमिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सभी केंद्र को और राज्य सरकारों को कि इनके लिए आप यातायात की, भोजन की और रहने की व्यवस्था को यहाँ पर उपलब्ध करवाएँ। सेकेंड आप देखोगे PIL का मतलब क्या है, PIL मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट इन विच द पब्लिक और क्लास ऑफ कम्युनिटी हैव पेक्यूनरी इंटरेस्ट और सम इंटरेस्ट बाय विच दियर लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज आर अफेक्टेड। सिंपल सा मीनिंग आप इसका समझना, हिंदी वाला टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल सा इसका मीनिंग है। PIL का मतलब क्या है कि बेसिकली जहाँ कहीं भी किसी भी आम लोगों के या किसी समूह के लोगों के कोई भी अधिकारों का हनन होता है तो उसके अगेंस्ट में कोई सा भी NGO, कोई सा भी ग्रुप, कोई से भी लोग क्या फाइल कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर PIL फाइल कर सकते हैं। तो ये इसीलिए न्यूज़ में आया, अभी एक PIL फाइल की गई थी बेसिकली किसके लिए, जो भी आपकी प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके खाने की, उनके रहने की, उनके यातायात की उचित व्यवस्था करने के लिए। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को। थर्ड स्टेटमेंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द जस्टिस PN भगवती, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एंड इट इज़ ए रिलैक्सेशन ऑन द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। ध्यान रखना ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी ये कॉन्सेप्ट, ये PN भगवती के द्वारा, एंड इट इज़ अ रिलैक्सेशन ऑन द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है लीगल स्टैंडिंग बिफोर ए कोर्ट। कई बार क्या होता है हम कोर्ट के सामने अपनी लीगल स्टैंडिंग नहीं रख पाते, कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई सारे पुअर पीपल है या वल्नरेबल पीपल है जिनकी कोर्ट तक पहुँच नहीं है, तो उनकी कोर्ट तक पहुँच कैसे बनाई जाए उसके लिए PIL का कॉन्सेप्ट आया था। एक बार आप जस्ट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपको सब समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे PIL का मतलब क्या है, हमारे भारतीय संविधान ने अलाउ किया कि कोई सा भी एक पर्सन जो क्या है जनहित की अपनी भावना रखता है, पब्लिक स्पिरिट रखता है, या कोई सा भी NGO है, या कोई सी भी ऐसी फर्म है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, वो किसी के भी बिहाफ से, किसी लोगों के ग्रुप के बिहाफ से जिनके राइट्स का हनन किया जा रहा है, कोर्ट में PIL फाइल कर सकती है। कई बार कोर्ट खुद से भी PIL ले सकता है, कई बार कोर्ट क्या ले सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि पर्टिकुलर इस कम्युनिटी के राइट्स का हनन हो रहा है तो कोर्ट खुद से भी उसके खिलाफ क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है, ठीक है। ध्यान रखना PIL किसके खिलाफ फाइल की जाती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के खिलाफ यहाँ पर PIL फाइल की जाती है, उसके अलावा प्राइवेट अथॉरिटीज़ को भी
भी यहाँ पर रेस्पोंडेंट या एक स्टेक होल्डर यहाँ पर बनाया जा सकता है। कौन कौन से मामलों में? आप देखोगे पर्यावरण से संबंधित मामलों में, अगर आपके गरीब के बेसिक मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है तभी PIL फाइल की जा सकती है। अगर आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है, अगर आपकी म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ जो पब्लिक ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स या रिलीजियस राइट्स का कोई हनन हो रहा है, तो PIL डायरेक्टली फाइल की जा सकती है। ये आप देख सकते हैं वहाँ पर इमेज में, ये है हमारे जस्टिस PN भगवती जी जिन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हमारे PIL का, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लाइफ का मतलब सिर्फ हमारी शारीरिक एग्जिस्टेंस नहीं है, इट मीन्स द यूज ऑफ एवरी लिम्ब और फैकल्टी थ्रू विच लाइफ इज एन्जॉयड। हमें हर एक चीज़ का, हर एक अधिकार हमें हमारे मिलने चाहिए। राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, हर एक चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए। इन्होंने होलिस्टिक लाइफ के बारे में बताया था, तो अब आप देख सकते हैं इसका पहला बिल्कुल सही है, अभी कोर्ट ने आदेश दिए हैं, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी, ABC ऑल आर करेक्ट। तो समझ गए होंगे PIL होती क्या है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है PIL का, कि अगर किसी भी व्यक्ति के या ग्रुप ऑफ व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी पर्सन, कोई भी NGO, कोई भी फर्म बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उनके बिहाफ से उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, कई बार कोर्ट खुद से भी ले सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग क्वाडी साइकिल, ठीक है, क्वाड्री साइकिल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अनुसार क्वाडी साइकिल का मतलब है कि बेसिकली ये क्या होता है, साइज ऑफ ए थ्री व्हीलर। बेसिकली जो क्वाडी साइकिल होती है इसकी साइज किसके बराबर होती है, थ्री व्हीलर के बराबर होती है, लेकिन इसके कितने टायर होंगे, चार टायर होंगे, और ये कैसी लगेगी आपको, एक चार पहियों की कार की तरह लगेगी। ध्यान से समझना, बेसिकली हमारी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या करना चाहती है, आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कारें आती है उनकी जगह, मतलब जो चार पहिए की कार है उसको तीन पहिए की स्पेस में कन्वर्ट करेगी, पहिए उसके चार ही होंगे, स्पेस कम कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा उनकी कॉस्ट कम हो सकती है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो क्वाड्री साइकिल का मतलब क्या है, रोड आप देखोगे इस टाइप के व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे, छोटे कॉम्पैक्ट साइज के, पहिए आपको चार ही मिलेंगे लेकिन बेसिकली साइज क्या हो जाएगी उसकी, छोटी। तो आप यहाँ पर आंसर करोगे फटाफट से, अकॉर्डिंग टू द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्वाड्री साइकिल इज द साइज ऑफ थ्री व्हीलर बट विद फोर टायर्स एंड इज फुली कवर्ड लाइक ए कार। सेकेंड क्या लिखा, इसकी साइज 3.6 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इंजन 800 सीसी से ज़्यादा नहीं होगा और वजन 475 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा क्या बोला गया, बजाज ऑटो लिमिटेड वॉज द फर्स्ट टू कॉमर्शियली लॉन्च क्वेटे अंडर दिस सेगमेंट, पहला लॉन्च किया इन्होंने। इट इज़ एक्सपेंसिव बट सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो आपको बताना है विच वन, यहाँ पर कौन सा गलत है। तो आप देखोगे पहला बिल्कुल सही है, तो हमारी मिनिस्ट्री चाहती है कि कम जगह में हम ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, उसका इंजन थोड़ा कम कर देंगे, वेट थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर चौथा गलत है, एक्सपेंसिव नहीं होगा, ये सस्ता होगा, इट इज़ अ चीप और सेफ भी होगा और सस्ता भी होगा। तो डी इज़ द आंसर, डी में एक्सपेंसिव की जगह क्या आएगा आपका, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कुछ इस टाइम की टर्म्स आपसे पूछी जाए, क्वाड्री साइकिल का मतलब चार पहिए का जो वाहन है उसको तीन पहिए में कन्वर्ट कर देना, छोटा साइज कर देना, पहिए चार ही रहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी कीपिंग मधुमक्खी पालन से है। देखो द गवर्नमेंट, क्वेश्चन बताना है आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड ₹500 करोड़ फॉर बी कीपिंग अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन पर 500 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, गवर्नमेंट हैज अनाउंस द हनी मिशन। कौन सा मिशन, हनी मिशन, हनी मतलब शहद मिशन, अंडर द स्वीट रिवोल्यूशन। स्वीट रिवोल्यूशन का मतलब मीठी क्रांति के तहत गवर्नमेंट ने जो शहद मिशन है वो प्रारंभ किया। इसका एम क्या था, इसका एम था कि साइंटिफिक बी कीपिंग को प्रमोट करना, जिससे बेसिकली आपके जो रूरल पुअर पीपल है, मार्जिनलाइज पीपल है, उनको ऑल्टरनेटिव क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आप पढ़ सकते हैं, उनकी एग्रीकल्चर इनकम बढ़ जाएगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तीसरा क्या बोला गया है, बी कीपिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई पुअर पीपल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन ए लेस कैपिटल, ठीक है, कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट। और फोर्थ क्या बोला गया है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत दूसरा सबसे ज़्यादा शहद उत्पादक देश माना जाता है आफ्टर चाइना के बारे में। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज द स्वीट रिवोल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या सेलिब्रेट किया गया था 21 मई को, वर्ल्ड बी डे, जो आपका मधुमक्खी दिवस है वो सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में
आप आंसर करोगे इसका क्या है। पहला बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारी सीरीज़ भी हमने पूरी की पूरी बनाई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो पूरी की पूरी सीरीज़ आपको देखनी होगी। 4 पार्ट है, आप पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत का अच्छा कवरेज वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हनी मिशन किसके अंडर है आपका, स्वीट रिवोल्यूशन के अंडर, तीसरा बिल्कुल सही है, चौथा गलत है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है, इंडिया 5th नंबर पर आता है, इंडिया टॉप 5 में आता है, सेकेंड नहीं है। तो डी इज द, इसका क्या है, डी गलत है, वही पूछा है, फॉल्स कौन सा है। ठीक है, आंसर मिल गया होगा आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये आपका मैंने हमने एक प्लेयर से लिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे हमारे, इनकी अभी मृत्यु हो गई, बलवीर सिंह हैज़ डाइड रिसेंटली, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिलेटेड टू हिम। ध्यान रखना, उल्टा पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, ही वॉज एन इंडियन हॉकी प्लेयर, वो भारत के हॉकी खिलाड़ी थे, ही वॉज ए 3-टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ध्यान रखना, 3 बार उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा, मिस्टर सिंह वॉज द सेकेंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी टू बी हॉनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 1957। दूसरे ऐसे स्पोर्ट पर्सनालिटी थे जिनको 1957 में पद्म अवार्ड मिला। एंड फोर्थ ऑप्शन, हिज ओलंपिक रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स स्कोर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन ओलंपिक मेन्स हॉकी फाइनल रिमेन्स अनबीटन। अब तक उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है जो आपका मेंस हॉकी फाइनल में सबसे ज़्यादा जो गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड है वो अब तक कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया है ओलंपिक के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे बलवीर सिंह जी हैं, इनको बलवीर सिंह सीनियर के नाम से भी जाना जाता था, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, तो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, आप देखोगे तो। अब मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सही है, इंडियन हॉकी प्लेयर थे, 3 बार वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, ध्यान रखना, ये पहले ऐसे स्पोर्ट प्लेयर थे जिनको 1957 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो सेकंड की जगह क्या आएगा, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, अभी तक इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है जो सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने स्कोर किए थे ओलंपिक मेन्स हॉकी फाइनल में, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम रीस्टार्ट टू सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर इन द स्टेट। एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए रीस्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आंध्र गवर्नमेंट के द्वारा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बेसिकली क्या बोला गया है, द गवर्नमेंट विल स्पेंड रुपीज़ 1100 करोड़ ऑन रिवाइवल ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर के रिवाइवल के लिए 1100 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट खर्च करेगी। तीसरा क्या बोला गया है, एमएसएमई विल बी इम्पार्टेड थ्रू स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस। एमएसएमई में बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर जो इसमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो कहाँ से लाया जाएंगे, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस खोले जाएंगे ताकि लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाएगी। फोर्थ क्या बोला गया है, ये प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड मार्केट एक्सपोजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन एक्सपर्ट्स। ठीक है, जो आपके शिल्पकार है, कलाकार है, उनको एग्जीबिशन या मार्केट का एक्सपोजर करवाना, ये इसका उद्देश्य है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो रीस्टार्ट प्रोग्राम किसके लिए है, एमएसएमई के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, साथ में आप देखोगे यहाँ पर ये आंध्र की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही प्रोग्राम है, 1100 करोड़ बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। तीसरा बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा हो, ध्यान दिया हो, तो मैंने आपको जो पहला बताया था हुनर हाट, ये जो चौथा स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड है, हुनर हाट से रिलेटेड है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, हुनर हाट किस स्कीम के अंदर आता है, उस्ताद स्कीम के अंदर। उस्ताद स्कीम आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा चलाई जाती है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, डी ऑप्शन किससे रिलेटेड है, हुनर हार्ट से रिलेटेड है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, बट ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। द टर्म फेथ ट्रायल ऑफन सीन इन द न्यूज़ रेफर्स टू, जो फेथ ट्रायल है अभी हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, ये किससे संबंधित है। आप देखोगे ये एक इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल है जो WHO के द्वारा स्टार्ट की गई, किसके लिए, आपका COVID-19 का ट्रीटमेंट निकालने के लिए, ढूंढने के लिए। दूसरा क्या है, ये क्लिनिकल ट्रायल है जहाँ पर दो एंटीवायरल ड्रग्स की, ठीक है, दो एंटीवायरल ड्रग्स को मिक्स करके उनकी एफिकेसी चेक किया गया, और बेसिकली ये किया गया था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा, मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये
एक एग्रीमेंट है तालिबान और यूएस गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, जो बात करता है पावर शेयरिंग इन अफगानिस्तान में। एंड फोर्थ क्या है, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो किसकी बात करेगा, एक्सचेंजिंग द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, प्लस साथ में जो भी आपकी अदर फैसिलिटीज़ है एटोमिक फैसिलिटीज़ उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन एक्सचेंजिंग द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़ दैट प्रोहिबिट्स देम फ्रॉम अटैकिंग ईच अदर्स एटोमिक फैसिलिटीज़। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी COVID-19 चल रहा है तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली दो एंटीवायरल ड्रग्स को मिक्स करके कंबाइंड फॉर्म में करके COVID-19 का ट्रीटमेंट ढूंढा जा रहा है, जो कि किया गया है मुंबई बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसलिए न्यूज़ में रहा। दिस इज़ द फेथ ट्रायल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल है जो COVID-19 का ट्रीटमेंट यहाँ से निकाला जा सकता है, बट अभी तक फाइनली कुछ भी अप्रूवल नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूज़ में है, अभी आप देखोगे, इसकी 22nd मीटिंग हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बेसिकली भारत के पर्सपेक्टिव में। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है, इसके बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या बोला गया है, इट इज़ ए स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या है, एक वैधानिक संस्था है जिसको संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया गया। दूसरा, इसकी अध्यक्षता आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। तीसरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या बोला गया, टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पहला वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के बीच में समन्वय स्थापित करना, और क्या प्रमोट करना, फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी अभी परसों ही 22nd मीटिंग आयोजित की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू FSDC की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। ठीक है, तो आप देखोगे इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, इसको किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया, डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू या आपका जो कार्यपालिका के ऑर्डर के थ्रू इसको बनाया गया है, किसी भी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाया गया। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, अध्यक्षता यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करता है, और तीसरा बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है FSDC क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई गई है, किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई। इसका काम क्या है आपका, वित्तीय स्थिरता को प्रमोट करना इंटर डिपार्टमेंट्स के बीच में। आप देखोगे जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे सेबी हुआ, चाहे IRDA हुआ, ठीक है, चाहे आपके RBI हुआ, सब लोग इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। FSDC के सारी की सारी वित्तीय संस्थाएं हैं बड़ी, सेबी हुआ, IRDA, सब इसके मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चारधाम प्रोजेक्ट, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। द चारधाम प्रोजेक्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है, आप देखो, पहला ऑप्शन है ये एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, किसके किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, जो चार जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं उनको लिंक करेगा। दूसरा क्या बोला गया है, ये एक प्रोजेक्ट है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का, जो बेसिकली क्या करेगा, हमारा जो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय जलमार्ग, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कैपेसिटी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तीसरा क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जितनों भी हमारी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी है, ठीक है, उसमें ये क्या सेटअप करेगा, आपका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये सेटअप करेगा, ताकि एंट्री पॉइंट्स होगा, जो हमारे लैंड बॉर्डर्स के एंट्री पॉइंट्स होंगे ये बनाएगा। और फोर्थ क्या लिखा है, ये प्रोजेक्ट इंप्रूव करेगा जो हमारे चारों धाम है, ठीक है, जो 4 होली श्राइन्स है उत्तराखंड में, उनमें नेशनल हाईवे डेवलप करने में ये मदद करेगा। अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव एंड डेवलप नेशनल हाईवे लीडिंग टू 4 होली श्राइन्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप इमेज देखोगे तो समझ जाओगे, दिस इज़ ए हाईवे प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड के अंदर आपके चार धाम है, ठीक है, उन चार धामों को हाईवे से जोड़ने के लिए ये आपका प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, जैसे आप नाम सुना होगा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो बेसिकली उनको जोड़ने के लिए, चारों धामों की यात्रा को और भी सुगम बनाने के लिए किया गया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है ये। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसको सर्टिन के नाम से जाना जाता है, अभी आपने देखा होगा आरोग्य सेतु ऐप में, बेसिकली हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स वगैरह की, तो ये जो एजेंसी है वो प्रमोट करती है साइबर सिक्योरिटी को, तो इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है। सर्टिन की फुल फॉर्म आपने समझ में आ गई, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। सर्टिन स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2015 एज द नोडल एजेंसी फॉर रेस्पॉन्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन रेस्पॉन्स
रिस्पॉन्स टू मैसिव डेटा ब्रीच ऑफ आधार डिटेल्स फ्रॉम UIDAI केस, जो आपका आधार वाला केस था। सेकंड क्या बोला गया है, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको बताना है विच वन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका सही होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, जो आपका मेटी के अंदर ही ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आती है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, 2015 की जगह आएगा 2004 में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट टू इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो आपका सर्टिन है किसके लिए काम करता है, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डेटा ब्रीच को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आपने देखो कि आरोग्य सेतु से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज आए थे, तो सर्टिन काफ़ी अच्छा काम करता है इससे रिलेटेड। तो आई थिंक मैंने आपको पूरे के पूरे वीक का जितना भी करंट अफेयर्स था, जो भी टॉपिक प्रोमिनेंट टॉपिक हमारे न्यूज़ में रहे थे, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब आप सब लोगों को पार्ट वन और पार्ट टू अच्छे से देखना है, सब दोस्तों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।